कल्चर के बारे में यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके विभिन्न प्रकार से बनते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके स्थापत्य से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि कौन सी मस्जिदें हैं, मंदिर हैं और अन्य प्रकार की स्थितियाँ हैं, कब बनी हैं। इसके अलावा संगीत कला है, संगीत कला में कौन कौन से प्रमुख घराने हैं, उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे शास्त्रीय जो नृत्य है कथक, क्योंकि यूपी यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, तो उसके बारे में भी कुछ प्रश्न बनते हैं। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार और उनके द्वारा जो हम कह सकते हैं ख्याति प्राप्त कृतियाँ हैं, प्रमुख लोकगीत, पारंपरिक लोक नाट्य, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कला संस्थान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और उत्तर प्रदेश संबंधित चलचित्र से संबंधित, तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हम बात करें तो जो भी प्रश्न आपको बनते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर एक एक करके स्टडी करेंगे और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को आज हम समाप्त भी करेंगे। एक ही लेक्चर में यहाँ पर सभी प्रकार के प्रमुख घटनाक्रम जो कि आर्ट एंड कल्चर से आपके लिए ज़रूरी बनते हैं वो हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त यूपी स्पेशल के अंतर्गत आपका जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो भी मैटर आए उसमें अगर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो उसको ज़रूर पढ़ते रहिए, अपडेट रखिए अपने आप को, क्योंकि कई बार जो प्रश्न आपसे बन पूछे जा सकते हैं वो आर्ट एंड कल्चर में करंट स्टैटिक्स भी हो सकती है, तो इसलिए भी उसको भी ध्यान रखें। ऑलरेडी आपको करंट का यूपी का दिया जा चुका है तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से स्टडी करें। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। गीत सबसे पहले यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं संगीत कला के बारे में, उत्तर प्रदेश संबंधित क्या है प्रमुख यहाँ पर घटनाक्रम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले थे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है उत्तरी भारत में संगीतज्ञों का बाइबल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा संगीतज्ञों का बाइबल भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को बोला जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लोक संगीत काफी पीलू वृंदावनी सारंग जैसे रागों को यहाँ पे जन्म दिया गया है। तो कौन कौन से राग यहाँ पे जन्म हुए हैं उत्तर प्रदेश संबंधित, तो इनको भी ध्यान रखना है जिसमें काफी पीलू वृंदावनी और सारंग है। इसके अतिरिक्त महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की जिसका मुख्य विषय था कृष्ण लीला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान के कृष्ण लीला जैसी यहाँ पे रासलीलाएं, रामलीला और इस तरह के जो लोक नाट्य होते हैं वो भी आपके प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो इसकी प्रारंभ कहाँ से हुई है, पुष्टि संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया, महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा। और इन्होंने इस संप्रदाय से संबंधित जो भी संगीत कला को जन्म दिया उसका एक मुख्य विषय के रूप में कृष्ण लीला को यहाँ पर स्थान दिया। इसके अलावा वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति, ठीक है, तो मंदिरों में जो किसी अर्चना कह सकते हैं संगीत जो किया जाता था, संगीत का आयोजन होता था वो एक लयबद्ध रागों के माध्यम से होता था जिसे नाम दिया गया अर्चना पद्धति। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे आपको उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो नाम ध्यान रखिएगा आपको वल्लभाचार्य के द्वारा। इसके अलावा कृष्ण भक्ति संप्रदाय में आपको अष्ट प्रहर उपासना का विशेष प्रचलन है, तो अष्ट प्रहर उपासना जो होती है कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। विट्ठल नाथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखिए, विट्ठल नाथ से रिलेटेड काफी सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इसमें बहुत ही प्रमुख हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीजें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा विट्ठल नाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्ट छाप कवि, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया अष्ट छाप कवि विट्ठल नाथ के द्वारा जो अष्ट छाप कवियों की यहाँ पे बात की गई है ये कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से कवि इसमें सम्मिलित हैं, ये अष्टछाप कवि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा विट्ठल नाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों को यहाँ पर सम्मिलित किया था जिसमें सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास थे। ठीक है, तो ये आठ नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा स्वामी हरिदास ने केलीमाल तथा अष्टदक्ष पदों की यहाँ पे रचना की जिसमें 110 पदों का राग विभाजन किया गया है। ठीक है, 110 पदों का राग विभाजन किसमें किया गया है, केलीमाल और अष्टादश नामक पदों की रचना इनके द्वारा की गई है, किसके द्वारा, स्वामी हरिदास के द्वारा। हरिदास ने यहाँ पर देखिए स्वामी हरिदास जी ने यहाँ पे ध्रुपद की डागुर बाणी प्रवर्तक माना जाए किसको, हरदास। इसके अलावा ग्रंथ है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाद विनोद, कौन सा ग्रंथ है, एक नाद विनोद, और इस नाद विनोद में स्वामी हरिदास
के 8 शिष्यों का उल्लेख है। कौन से 8 शिष्य? काफी नाम जो है इसमें फेमस हैं, जैसे कि बैजू हैं, तानसेन हैं, गोपाल दास हैं, मदन राय हैं, रामदास हैं, दिवाकर पंडित हैं, सोमनाथ पंडित हैं और सौरसेन। आपको पता है इसमें बैजू और तानसेन का जो नाम है काफी फेमस है, काफी सारी चीजों के लिए यहाँ पर इनका नाम आता है। तो ये किसके यहाँ पे शिष्य थे? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्वामी हरिदास के हैं। इसके अलावा स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में 18 की जगह 22 से 24 पर्दे लगाकर कई सारी नई वीणा वादन शैलियों को विकसित किया है, ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी हरिदास के द्वारा। साथ ही स्वामी हरिदास ने ध्रुपद गायन की गोबर हार, ठीक है, ध्रुपद गायन की गोबर हार पद्धति का यहां पर विकास भी स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने शिष्यों को कई प्रकार की अलग अलग रागों में सिद्धि प्राप्त कराई, जैसे कि तानसेन हो गए, बैजू हो गए, ठीक है, इनको लोगों को, और गोपाल दास हो गए, इनको अलग अलग चीजों में यहाँ पे सिद्धि प्राप्त की। जैसे कि स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग तथा गोपाल दास को यहाँ पे मालकौंस राग में सिद्धि की शक्ति दी है, ठीक है। तीनों लोगों, अपने तीन अलग अलग शिष्यों को इन्होंने तीन अलग अलग पद्धतियों में यहाँ पर उनको कह सकते हैं प्रशिक्षित किया है। इसके अतिरिक्त हरिदास संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र हैं। कितने? 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बांके बिहारी का मंदिर, जहां पे स्वामी हरिदास को बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त हुए थे। दूसरा निधिवन है, जहां स्वामी हरिदास और उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी का यहाँ पे कह सकते हैं समाधि स्थल है। तीसरा है इसमें श्री रसिक बिहारी, श्री रसिक बिहारी जो है वो स्वामी रसिक देव ठाकुर का यहाँ पे स्थल के रूप में से जाना जाता है। इसके अलावा गोरेलाल का मंदिर चौथा स्थल है, इसमें स्वामी जी के शिष्य परंपरा नरहरि देश के उपास्य के रूप में यहाँ पर इसको प्रसिद्धि प्राप्त है। और पांचवा है टटिया या थट्टी स्थान, जो कि स्वामी ललित मोहिनी देव के द्वारा यहाँ पे एक स्थापित केंद्र। इन 5 जगहों पर आप कह सकते हैं हरिदास संप्रदाय संबंधित जो संगीत अर्चना संबंधी आपके प्रशिक्षण इत्यादि दिए जाते हैं वो इन 5 केंद्रों में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये स्वामी हरिदास से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, ध्यान रखना है, काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको आपको यहां पर अच्छे से रिविजन जरूर कर लेना है। इसके अलावा अगली बात करते हैं वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद। सुरसुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदिशों की रचना की थी, जो रामानंदी ध्रुपद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रामानंदी ध्रुपद से संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है किसकी रचना है, तो बात यहां पर ध्यान रखिएगा सुरसुरानंद जी की रचना है, जो किसमें 500 ध्रुपद बंदिशों की ये रचना है। इसके अलावा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को लेकर देखिए काफी प्रश्न आपको बनता है। ये यूपी से बिलोंग करते हैं और काफी सारी नई चीजें पद्धतियों का इनके द्वारा विकास किया गया। देखिए यहां पे सबसे पहला जो फैक्ट है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो कासगंज जिले के पटियाली गांव में 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म होता है। और अमीर खुसरो के द्वारा जो कार्य किया गया वो क्या था? इन्होंने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके, नहीं कह सकते हैं कि ईरानी और भारतीय संगीत रागों को इन्होंने मिश्रित करके ध्रुपद कह सकते हैं संस्कृत आपको या संस्कृत संस्करण, एक नया संस्करण डेवलप किया। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। अब यहां पर देखिए कौन कौन सी रागे इन्होंने डेवलप की। पूर्वी, गौड़, कांगली तथा अन्य राग के सम्मिश्रण से इनके द्वारा साजगिरी, हिंडोल, नैरेज के मिश्रण प्रस्तुत गान यहां पर इनके द्वारा, पर राग के सम्मिश्रण से जिल्फ, गारा आदि आविष्कारों के इनके द्वारा रचना की गई। तो काफी सारी डेवलपमेंट इनके द्वारा की गई। मूल काम जो था अमीर खुसरो का अगर देखा जाए तो मूल यहाँ पे रूप से इनके द्वारा कई सारी अलग अलग पद्धतियों का, रागों का, अलग अलग संस्कृतियों का इनके द्वारा मिश्रित करके नई प्रकार की स्थितियों को इनके द्वारा जन्म दिया गया। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौल कलबाना, नक्शे गुल आदि शैलियों का भी प्रचलन के द्वारा किया गया। खुसरो को तबला और सितार वादों के आविष्कार का श्रेय दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तबला और सितार यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया, तो इसका जो श्रेय जाता है वो अमीर खुसरो को जाता है। खुसरो ने ही तत्कालीन ध्रुपद गायन शैली और में ईरानी संगीत का मिश्रण करके ख्याल गायन शैली को विकसित किया। तो ख्याल गायन शैली जो है अमीर खुसरो के द्वारा विकसित है, जिसमें ध्रुपद और ईरानी संगीत का मिश्रण है। आगे चल के डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है जब ख्याल गायन शैली जो होती है आगे चल के ध्रुपद का स्थान ले लेती है। और इसके बाद
बिलावल सप्तक पर आधारित इस शैली ने भारतीय संगीत को दो भिन्न गायन और वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया, एक उत्तर भारत की पद्धति और एक दक्षिण भारत की पद्धति। जो उत्तर भारत में जो पद्धति आपकी विकसित थी उसे बोला गया हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जबकि जो दक्षिण भारत में पद्धति आपको विकसित हुई उसे बोला गया कर्नाटक संगीत पद्धति। खुसरो के पौत्र मसीद खान ने सितार को मसीद खान यानी कि विलंबित वादन जैसी चीजों को लेकर यहां पर वादन शैली का इनके द्वारा विकास किया गया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के बाद टप्पा शैली का प्रचलन किया। तो हुसैन शाह शर्की का भी इसमें एक अहम योगदान है संगीत कला में, जिसमें उन्होंने टप्पा शैली का विकास किया, साथ ही ख्याल शैली को भी इनके द्वारा विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त मेहंदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खां, मुस्तरी बाई, बेगम अख्तर ये प्रमुख आपके संगीतज्ञ और गायक थे जो कि फैजाबाद से संबंधित हैं। साथ ही शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी? ठुमरी की शिक्षा यहाँ पे प्राप्त की थी शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से। टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले पंजाब के शोरी मियाँ जो हैं आगे चलकर फैजाबाद उत्तर प्रदेश में आके बस जाते हैं। वहीं वाराणसी की सितारा देवी और अलकनंदा देवी ने कथक नृत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अकबर अली खां, सादे खां और रसूलन बाई, चित्राबाई, इमाम बाई ये सभी टप्पा गायन शैली से संबंधित प्रमुख आपकी गायिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त खुले चक्कर बोल, परन, गतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध आपकी बनारसी राग की परंपरा का प्रवर्तन पंडित राम सहाय ने किया है। देखिए यहाँ पे काफी सारे घराने अभी इसमें जुड़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो संगीत कला से संबंधित है, संगीत कला में कई सारी चीजों को, चाहे गायन की शैलियां हो, संगीत है, वाद्यंत्र है, उनसे संबंधित है। और यहाँ पर अभी हम जो पढ़ने वाले हैं जो प्रमुख घराने हैं, जो प्रश्न इसमें बनते थे, पहली चीज के घराने जो संबंधित हैं वो किस प्रकार से किस प्रकार के कार्यों के लिए हैं, और दूसरा इनके प्रमुख संगीतज्ञ या गायक कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पे नाम आपको आ रहा है कि कुछ लोगों का, कुछ आपके संगीतज्ञ हैं, गायक हैं, नर्तकियां हैं, तो यहाँ पर ये किस घराने संबंधित है ये भी प्रश्न आपसे बनते हैं। लेकिन सबसे पहले इन फैक्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश संबंधित प्रमुख घरानों को संगीत कला से देखेंगे। इसके अलावा देखिए वायलिन वादन में श्रीमती एन राजब, शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खां, सितार वादन में पंडित रविशंकर, राजमन सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खां तथा नृत्य में उदय शंकर एवं गोपी कृष्ण ने वाराणसी का गौरव बढ़ाया। तो देखिए यहाँ पे वाराणसी अपने आप में कला के दृष्टिकोण से एक समृद्ध शहर के रूप में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे कई सारे, ठीक है, चाहे वो ऐसा नहीं है कि आपको कई अलग अलग क्षेत्रों के कह सकते हैं कि यहाँ पे उस्ताद हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें नृत्य हो गया आपको, गायन शैलियाँ हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की जो परंपरा है आज भी आपको सुनने की मिलती है। अस्सी घाट वाराणसी में खुले प्रांगण में गंगा तट पर ध्रुपद मेला आज भी आपको शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता हुआ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कभी भी वाराणसी जाते हैं तो अस्सी घाट अगर जाते हैं शिवरात्रि के अवसर पर, तो ये अवसर आपको वहां पर मिल सकता है। ध्रुपद गायन शैली का आयोजन जो होता है उसे आप वहां पर एंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली तत्कालीन मूर्धन्य ध्रुपद गायक के उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। साथ ही बिंदादीन जैसे कथक के नृत्य के आचार्य तथा कोदौस उस्ताद वजीर खां के तथा कोदक सिंह जैसे पखावज वादक वाजिद अली शाह के दरबार में थे। वाजिद अली शाह जिसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो संगीत कला का विकास हुआ है, संगीत कला का जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में अवध शासन काल में, सबसे या स्वर्ण युग की एक संज्ञा भी दी जाती है वो वाजिद अली शाह के शासन काल को दी जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं अवधि शासन काल में सबसे अच्छा रहा संगीत कला के विकास के लिए। इसके अलावा ठुमरी के प्रणोता महाराज बिंदादीन थे, ये भी ध्यान रखिएगा ठुमरी के प्रणोता कौन थे, महाराज बिंदादीन थे। उस्ताद खुर्शीद अली खां लखनऊ गायकी के विस्तार के लिए माने जाते हैं। वादिज अली शाह रहस्य नृत्य का विशेष आयोजन करते हैं और साथ ही यहां पर कृष्ण की भूमिका को स्वयं प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर देखिए वादिज अली शाह से संबंधित एक बहुत ही कह सकते हैं तथ्य जुड़ा हुआ है कि इनके द्वारा जैसे रासलीला जैसी मंचन इनका होता था, जिसमें कृष्ण की भूमिका जो होते थे स्वयं वहां पर निर्वाह करते थे। इसके अतिरिक्त वादिज अली शाह ने स्वयं को
अख्तर पिया तथा बिंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अख्तर पिया से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, अख्तर पिया किसका एक उपनाम है, ठीक है, तो वाजिद अली शाह का है, और इन्होंने इस नाम से जो होते हैं ठुमरी की बंदिशें लिखी हुई हैं। इसी तरीके से जो सनद पिया है ये महाराज बिंदादीन का उपनाम है, और इन्होंने इस नाम से भी बंदिशें जो लिखी हुई हैं वो ठुमरी की लिखी हैं। वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य एवं ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। साथ ही नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, अवध का स्वर्ण युग या संगीत कला का जो स्वर्ण युग है, अवधीय शासन काल में किसके पास या किस शासक के समय के था, तो वाजिद अली शाह। इसके अलावा बिंदादीन के अतिरिक्त सब्बू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ के कथक शैली को नई दिशा यहाँ पे प्रदान की है। तो प्रमुख आपके नर्तक जो हैं वो आपको इसमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने कहा था संगीत कला के बारे में जो आपके फैक्ट हैं, जो नॉलेज है, वो तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन संगीत कला से संबंधित जो बहुत सारे जो आपके प्रश्न बनते हैं वो आपके बनते हैं घरानों संबंधित। लखनऊ घराना कहाँ पर है, किस लिए फेमस है, कौन से प्रमुख नर्तक हैं, तो इसमें हम कई सारे घरानों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, फैक्चुअल्स हैं और इनको आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ये आपके प्रश्न यहाँ पर काफी बनते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ घराना की। लखनऊ घराने देखिए, मोदू खां तथा बख्शू खां या बख्शूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो सूत्रपात किसने किया, स्थापित किसने किया, ये नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लखनऊ घराना को प्रारंभ किसने किया, संस्थापक कौन थे, मोदू खां और बख्शू खां। मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया। पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद को पखावज में यहाँ पर इनको निपुणता प्राप्त थी। इसी तरह उस्ताद दुले खां, उस्ताद सखावत हुसैन खां सरोद वादन करते थे। सादिक अली खां ने बीनकार, उमर खां इलियास खां सितार वादन और जी एन गोस्वामी वायलिन में यहाँ पे पारंगत थे। यूसुफ अली खां, ध्रुव तारा जोशी सितार से संबंधित यहाँ पर थे। तो ये सारे जो आपके प्रमुख व्यक्ति हैं, इसमें देखा जाए तो लखनऊ घराने के अंतर्गत वादन और यहाँ पे वाद्य यंत्र से संबंधित यहाँ पर विकास आपको ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें पखावज वायलिन सितार वीणा यहाँ पर ये सारी चीजों को लेकर कार्य करता हुआ आपको दिखाई देता है। दूसरा है आगरा घराना। आगरा घराना देखिए, मुगल काल में संगीत का यह सबसे बड़े केंद्र के तौर पर विकसित हुआ था और इसका सूत्रपात किया था श्याम रंग और सरस रंग के द्वारा। आगरा घराने को करवाल बच्चा घराना भी कहा जाता है, ठीक है, कौन सा घराना, करवाल बच्चा घराना भी से कहा जाता है। इस घराने में के अद्वितीय गायक थे उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद फैयाज खां, ध्यान नाम ध्यान रखिएगा, आगरा घराने से संबंधित है। आगरा घराने की जो उत्पत्ति है खुदाबख्श से मानी जाती है, और आगरा घराने के जो प्रमुख संगीतकार हैं उसमें हैं घग्घे खुदाबख्श, शेर खां, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खां, इमदाद खां, हमीद खां, विलायत हुसैन खां और फैयाज खां। तीसरा इसमें घराना है सहारनपुर घराना। इसके प्रवर्तक हैं खलीफा मोहम्मद जुमा, जो कि एक सूफी संत थे, और इनके द्वारा इस घराने के अंतर्गत गायन, बीन, रबाब और सितार वादन में यहाँ पर सिद्ध हस्ती प्राप्त थी। इनके द्वारा सहारनपुर के बहराम खां को पंडित की उपाधि भी यहाँ पर दी गई थी। और अन्य जो इस घराने से संबंधित प्रमुख संगीतकार हैं उसमें हैं बंदे अली खां, जकीरुद्दीन खां, अल्लाह बंदे खां, नसरुद्दीन खां, रहीमुद्दीन खां, नासिर मोइनुद्दीन डागर, नसीर अमीनुद्दीन डागर, निर्मोल शाह, ये आपके प्रमुख आपके सहारनपुर घराने से संबंधित व्यक्ति रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख जो तथ्य है, ध्यान रखिएगा, एक नाम आता है निर्मोल शाह का, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, निर्मोल शाह। निर्मोल शाह कौन थे, निर्मोल शाह आपके तानसेन के दौहित्र वंशीय थे, और इन्हें जो है ध्रुपद के चारों, ठीक है, ध्रुपद के चारों बोलबानियों में, जैसे कि यहाँ पे ख्याल है, अंग है, वीणा है, वादन है, तो यहाँ पे चारों वाणी, ख्याल, अंग, वीणा, वादन, ये चारों ही चीजों में ये निपुण थे। ध्यान रखिएगा, निर्मोल शाह यहाँ पे ध्रुपद के चारों ही पदों में यहाँ पे निपुण थे, चाहे वो वाणी हो, ख्याल हो, अंग हो या वीणा वादन। अगला है इसमें अतरौली घराना, पर उस रियासत के अंतर्गत ये आता था। इसमें देखा जाए तो काले खां, चांद खां इसके संस्थापक थे, और भूपत खां, इमाम बख्श, गुलाम खां,
हसीब खां, दौलत खां, अली अहमद खां, ख्वाजा अहमद खां, अजमत हुसैन खां ने ध्रुपद, धमार, होली, ख्याल, दारदा सभी शैलियों को यहां से प्राप्त हुआ, अर्थात इस शैलियों का यहां पर विकास होता था। तो प्रमुख जो संगीतकार हैं वो तो हमने देखे ही, लेकिन अतरौली घराना किन किन चीजों के लिए फेमस है, कौन सी चीजें सिखाई जाती थी, तो यहाँ पे देखिए ध्रुपद, धमार, होली, ख्याल, दरदा, ये सभी आपकी शैलियां यहाँ पर सिखाई जाती हैं। अगला है इसमें अजराड़ा घराना। अजराड़ा जो घराना है वो बेसिकली मेरठ में है और यहाँ पर चांदी के स्याही के अधिक प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो पेशकार होते हैं उनके द्वारा। साथ ही इसमें कायदो, तिनक तिन, केन, धिन गिन, धिनान जैसे बोली के कारण यहाँ पर इसकी एक अलग प्रधानता आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आपके प्रमुख कलाकार हैं उसमें आपको चांद खां, कल्लू खां, हस्सू खां, हबीबुद्दीन खां, कलाकार आपको मोहम्मद बख्श, ये आपके प्रमुख आपके अतरड़ा घराना से संबंधित हैं। इसके बाद किराना घराना, जो कि काफी बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है किराना घराना से संबंधित जो फैक्ट आते हैं, इसमें है आपके, देखिए सबसे पहली चीज कि किराना घराना संबंधित कहाँ से है, तो मुजफ्फरनगर से है, ध्यान रखिएगा, और वहाँ पे किराना नामक स्थान से रिलेट करता है। इसके जो संस्थापक हैं किराना घराना के, उनका नाम है उस्ताद बंदे अली खां, ठीक है, कौन है, उस्ताद बंदे अली खां। साथ ही जो प्रमुख आपके संगीतकार हैं, प्रमुख संगीतकारों के नाम इसमें देखिएगा, भीमसेन जोशी, काफी नाम इनका आता है, कई बार यहाँ पे इनसे पूछा गया है भीमसेन जोशी से रिलेटेड प्रश्न। इसके अलावा गंगूबाई हंगल का नाम आपने सुना होगा, रोशन आरा बेगन का नाम सुना होगा, अब्दुल करीम खां, स्वामी गंधर्व, बहरे बुआ और राम भक्त, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, किराना घराना से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है रामपुर घराना। रामपुर घराना देखिए यहाँ पे नेमत खां सदारंग के द्वारा इसकी संस्थापना की गई, इसमें पंडित रविशंकर जो कि सितार वादन के लिए सुप्रसिद्ध हैं वो यहाँ से संबंधित हैं। इसके अलावा ख्याल गायकी के रूप में यहाँ पर आपको रामपुर घराना ज्यादा फेमस है, ख्याल गायकी को यहाँ पे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा जो प्रमुख अन्य जो गायक हैं रामपुर घराने से रिलेटेड हैं उसमें उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां, उस्ताद मुस्तारक हुसैन शाह, उस्ताद मोहम्मद अली खां और प्रमुख संगीतकार के रूप में यहाँ पर उस्ताद बहादुर हुसैन खां रामपुर घराने से रिलेट करते हैं। इसके बाद अगला जो एक प्रमुख घराना है यूपी से रिलेटेड वो है आपका बनारस घराना। बनारस घराना की बात करें तो इसमें संगीत पारखी आश्रयदाता काशीराज दरबार से ये संबंधित है। साथ ही बनारस घराने में अगर हम देखें तो ख्याल है, ठुमरी, ठप्पा, कजरी, चैती, भजन, गजल, ध्रुपद गायन इत्यादि के बारे में यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। प्रमुख जो संगीतकार यहाँ से निकले हैं बनारस घराने से प्रशिक्षित होकर उसमें शिव सहाय मिश्र, राजन साजन मिश्र, पंडित दिलराम मिश्र यहाँ पर आपके प्रमुख संगीतकार के रूप में निकले हैं। साथ ही देखा जाए तो यहाँ के कुछ प्रमुख गायिकाएं भी यहाँ से आपको निकली हैं प्रशिक्षित होकर, जिसमें विद्याधर सरस्वती, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, रसबाई, कृष्णा देवी और शांति देवी, ये आपके प्रमुख यूपी से संबंधित घराने हो गए। साथ ही कुछ अन्य फैक्ट भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इलाहाबाद की गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छोरी अपनी मीठी आवाज के लिए यहाँ पर काफी प्रसिद्ध रही हैं। इसी तरीके से हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ जो होते हैं बांसुरी वादन के लिए फेमस रहे हैं। बंगाल के गौरीपुर घराने का जो मूल स्रोत है वो आपका यूपी का इटावा जिला है, इटावा से संगीत परंपरा है जो कि आगे चलकर बंगाल में गौरीपुर घराने से फेमस होती है। इसी तरीके से लखनऊ परंपरा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र नत्थन वीर बख्श ने मध्य प्रदेश में आगे चलकर ग्वालियर घराने का विकास किया। तीसरा एक फैक्ट इसमें ध्यान रखना है आपको कि मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां, खादिम हुसैन खां ने बम्बई के भिंडी बाजार घराने की लोकप्रिय गायकी की परंपरा की शुरुआत की, जिसमें आपको लता मंगेशकर का नाम आपने सुना होगा। लता मंगेशकर जो है इसी घराने के अमान अली खां से उन्होंने संगीत की सेवा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के आपके जो निवासी हैं वो कलाकार हैं वो अन्य जिलों में भी जाकर नए घरानों को उनके द्वारा विकसित किया गया। तो ये तो हमने देख लिया संगीत कला के बारे में, अब बात करते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो कि यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका कथक है। कथक से संबंधित कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज कि इसका जो प्रारंभ है मंदिर के पुजारियों के द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन करने से इसको इसकी शुरुआत या प्रारंभ इसका माना जाता है। आगे चल के यहाँ पे वाजिद अली शाह के काल में इसका अधिक विकास हुआ और शास्त्रीय जो नृत्य है कथक का जो मुख्य केंद्र है वो लखनऊ माना जाता है, ठीक है।
कथक का मुख्य जो केंद्र है यूपी में उसे लखनऊ माना जाता है। कथक नृत्य के पिता के रूप में यहाँ उन्नायक ठाकुर प्रसाद को कथक नृत्य के पिता की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, किस नाम ध्यान रखिए, किसे, उन्नायक ठाकुर प्रसाद को। इसी तरीके से बिंदादिन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया, बिंदादिन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे, यानी जिनका नाम था मेनका, लीला सोखे रियल नाम था, स्टेज का नाम मेनका था, तो मेनका का यहाँ पे प्रमुख योगदान रहा। प्रदेश में जो है 4 संस्थान है जो कि कथक में स्नातक की डिग्री भी प्रदान करती हैं, ठीक है, कथक में स्नातक की डिग्री उत्तर प्रदेश के 4 संस्थानों के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। कौन कौन से हैं इसमें से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा आगरा विश्वविद्यालय, तीसरा भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ, और चौथा राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, जिसे लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 4 संस्थान है जो कि कथक के क्षेत्र में आपको डिग्री देते हैं। तो ये हमने देख लिया आपके जो एकमात्र आपका शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार और उनके द्वारा जो आपकी प्रमुख कृतियां बनाई गई हैं कौन कौन सी हैं। तो यहां पर देखिए चित्रकार निवासी और उनके द्वारा जो प्रमुख आपकी कृतियां हैं एक एक करके यहां पर आप इनको देखते चलिए। पहला है इसमें अखिल कुमार हलधर, क्या नाम है, अखिल कुमार हलधर, कहाँ के निवासी हैं, लखनऊ के हैं। और यहां पर देखिए इनके द्वारा जो ख्याति प्राप्त कृतियां हैं कौन कौन सी हैं, प्रकाश वा लय, राम वा गृह वपु, विकासोन्मुख यौवन, वेद का अध्ययन, कुणाल, अकबर तथा मेघदूत व अमर खय्याम से संबंधित यहाँ पर इनके द्वारा प्रमुख कृतियां और रचनाएं विकसित की गई। दूसरा इसमें नाम है आपका रामचंद्र शुक्ल का, जो कि बस्ती के रहने वाले थे और इनके द्वारा पश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, द्विस्वप्न, दया, मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, सृष्टि और ध्वंस की पराजय की पीड़ा, ये इनकी प्रमुख आपको कह सकते हैं कृतियां हैं। तीसरे इसमें है भवानी चरण गप्पू का, जो कि रामलीला से संबंधित चित्रात्मक कलाकृतियों के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा इसमें नाम है रणवीर सिंह बिष्ट का, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं और इनके द्वारा पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी सीज से बचने का सहारा, गांव की सुबह, काम की समाप्ति पर, स्लथ बालक, बाजार गपशप, शहर की रोशनी, सांझ ढले, जाड़े की रात, पहाड़ी घसियारे और नीलकंठ जैसे आपके प्रमुख कृतियों का विकास किया गया। अगले इसमें है रणवीर सक्सेना, जिनके द्वारा प्रतिष्ठा, बुद्ध का गृह त्याग और झूला जैसी यहाँ पर चित्रात्मक रचनाएं उनके द्वारा की गई। छठा यहाँ पे ध्यान रखिएगा शिव नंदन नौटियाल, इनको इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। शिव नंदन नौटियाल जो होते हैं लखनऊ के हैं, इनके द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम जो कि काफी फेमस है, सत्यम शिवम सुंदरम नामक आपकी कृतियां किसके द्वारा विकसित की गई हैं, शिव नंदन नौटियाल के द्वारा। इसके अलावा विश्वनाथ मेहता के द्वारा प्यासा ऊंट, सोहाबिंदी और सृष्टि नामक यहाँ पर कृतियां विकसित की गई। बंद किशोर शर्मा जो कि खुर्जा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा काली ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन से संबंधित यहाँ पे कृतियां देखने को मिलेंगी। राज कपूर चितेड़ा जो कि इलाहाबाद वर्तमान समय प्रयागराज के रहने वाले हैं, इनके द्वारा सचिन तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला का विकास किया गया। महेंद्रनाथ सिंह के द्वारा कांगड़ा और काशी शैली की विविधता पर कार्य किया गया। विश्वनाथ खन्ना कानपुर के रहने वाले, इनके द्वारा ख्याति प्राप्त कलरिस्ट की रचना की गई। मदन लाल नागर के द्वारा आपको ब्रश संबंधित 21 चित्रों की श्रृंखला, ठीक है, ब्रश से संबंधित 21 चित्रों की श्रृंखला मदन लाल नागर के द्वारा विकसित की गई। साथ ही कृष्ण खन्ना कानपुर जो है इनके द्वारा आपको यूरोपीय मत की झलक इनके द्वारा विकसित की गई है। अमृता शेलगिल का नाम यहाँ पे ध्यान के, ये फेमस है आपको, इनके द्वारा ये गोरखपुर की रहने वाली हैं और इनके द्वारा विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज, महिला वर्ग की गहरी संवेदना की ख्याति प्राप्त ये चित्रकार। अंतिम है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, जो लखनऊ के रहने वाले हैं और इनको फेमस इसलिए हैं क्योंकि इनके द्वारा ही उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है उस विधानसभा में जो भित्ति चित्री आपको देखने को मिलती है वो किसकी रचना है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी की। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको यहाँ पर चित्रकारों के नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ प्रमुख लोक गीतों की जो कि आपके आए प्रश्न में आए हुए हैं अर्थात एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें पहला है कजली, ठीक है, कजली जो होता है वो वर्षा ऋतु का लोकगीत है जिसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से हुई है और यह भारत
भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव पर कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव के अवसर पर से मनाया जाता है मिर्जापुर के क्षेत्र में। मिर्जापुर में कजली के चार अखाड़े हैं, कौन कौन से? पहला है पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, दूसरा है जहांगीर अखाड़ा, तीसरा है बैरागी अखाड़ा, चौथा है अखड़ अखाड़ा। ठीक है, इसके अलावा थोड़े बहुत अंतरों के साथ कजरी जो होती है पूर्वांचल के वाराणसी, प्रयागराज, अवध, गोरखपुर तक यहाँ पर गाई जाती है। और प्रमुख जो कजरी गायिका हैं उनका नाम है मालती अवस्थी। तो यहाँ पर मालती अवस्थी का नाम सब जानते हैं, फेमस है। तो ये किसके संबंध है? कजरी गायिका के रूप में। अगली इसमें है सोहर। सोहर क्या होता है? ये पूर्वांचल और अवध में यहाँ पर काफी फेमस है इस क्षेत्र में, जो कि बच्चों के जन्म के अवसर पर इसे गाया जाता है। तीसरा है नकटा। नकटा जो है ये संस्कार गीत तथा कव्वाली, विशेष रूप से अवध और सामान्य रूप से पूर्वांचल में ये काफी प्रचलित है। मूल रूप से इसे विवाह गीत और होली गीत, जो कि फगुआ का क्षेत्रीय स्तर के रूप में हम जानते हैं, के अवसर पर इसे प्रदेश में यहाँ पर प्रचलित है नकटा का। इसके बाद झूला, होरी, फाग, रसिया, ये क्या है? ब्रज क्षेत्रों में गाए जाने वाले प्रमुख आपके लोकगीत हैं। इसमें से जो झूला है वो सावन के समय में आपको देखने को मिलता है, पड़ता है, और जो होरी है वो फागुन के समय पे आपको गाई जाती है। पमारा, पमारा जो है एक नृत्य प्रधान आपका लोकगीत है, और ये जो होता है मूल रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको गाया जाता है। पांचवा इसमें है आपका आल्हा। आल्हा जो है अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में, खासकर बुंदेलखंड के एरिया में इसका ज्यादा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जो कि एक वीर रस प्रधान आपका लोकगीत है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कचली, सोहर, नट्टा, आल्हा, झूला, होरी, फांग, रसिया, ये सब के सब आपके यूपी के प्रमुख लोकगीत हैं। अब लोकगीत के बाद पारंपरिक आपके लोक नाट्य कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए, राज्य में कठपुतली कला संरक्षण प्रशिक्षण संवर्धन योजना 2004-05 में कठपुतली कला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रारंभ की गई। तो यूपी के जो प्रमुख आपके लोकनाट्य हैं उसमें नौटंकी है, रासलीला है और रामलीला है। तो कठपुतली के बाद नौटंकी क्या है? नौटंकी क्या है? इसका मूल रूप, विधि जो है, मूल रूप जो होता है, जिस रूप में मनाया जाता है, उसका है नाटक के स्वरूप में। इसमें हाथरसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियां के द्वारा संवाद व गायन के माध्यम से लोक कथाओं को विकसित किया जाता है। तो दोनों चीज होती हैं, संवादात्मक शैलियां मतलब चीजें, नाटक में जो होता है संवाद भी होता है और गायन भी होता है। किसमें? नौटंकी का जब आयोजन होता है। साथ ही इसमें कलाकारों पर जो नौटंकी से संबंधित वर्तमान समय के जो कलाकार हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़े स्तर पर ना तो राज्य सरकारों द्वारा बहुत सपोर्ट नहीं मिलने कारण और लोगों की रुचि भी बहुत ज्यादा ना होने कारण नौटंकी से संबंधित जो कलाकार हैं उनकी स्थिति काफी खराब हुई है। राज्य सरकार ने इन सभी चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए और नौटंकी का संरक्षण करने के लिए नौटंकी कला केंद्र नामक एक संस्था भी यहां पर बनाई है। रामलीला क्या होती है? यह अवधी व अन्य स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत की जाने वाली है। नवरात्र के दिनों पर इसका आयोजन होता है, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के माह में। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो, सॉरी, ये भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण और विशेष घटनाओं का सार्वजनिक रूप से मंचन इसमें किया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्राचीन प्रतिनिधि रामनगर वाराणसी में रामलीला के वर्तमान में पूरे नगर में यहाँ पर छाई रहती है, आयोजन हुआ करते हैं। इसके अलावा प्रयाग की जो रामलीला है उसका भी एक अलग शैली यहाँ पर आपको विकसित है, जो कि काफी फेमस है। रामलीला की तरह रासलीला भी आपको काफी फेमस यहाँ पर आपको सुनने को मिलती है। रासलीला क्या है? पारंपरिक ब्रज शैली बद्ध है, जिसमें मंचन जो होता है ब्रजभाषी लोगों के द्वारा लीलाओं के प्रमुखता से, यहाँ कृष्ण की लीलाओं का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण की लीलाओं संबंधी यहाँ पर मंचन किया जाता है, जिसमें श्री कृष्ण तथा गोपियों से संबंध आपके लीलाओं का प्रमुखता से मंचन होता है। इसमें उर्मिल कुमार थपलियाल, राज विशारिया, सूर्य वाजिद अली शाह के द्वारा काफी सारी यहाँ पर इनके द्वारा, इन सभी लोगों के द्वारा अर्थात मंचन किए जाते हैं। 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया तथा 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी कृत इंदर सभा के मंचन का जिक्र होता है। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, इन दोनों ही वाजिद अली शाह के द्वारा यहाँ पर देखिए कृष्ण से संबंधित लीलाओं का भी मंचन किया जाता है, उनसे संबंधित आपको जानकारी जो होती है उनके कृत रचनाओं में देखने को मिलती है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य नाट्य जो संस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं? पहला है भारतीय नाट्य संघ जो कि आगरा में है, दूसरा है साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में, यायावर लखनऊ में, नेहरू बाल भवन प्रयागराज में, अभिनव ज्योति वाराणसी में, स्वास्तिक मथुरा में, रूपांतर गोरखपुर में, श्री नाट्यम वाराणसी में, मध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर में आपके प्रमुख नाट्य संस्थान के तौर पर यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश रंगमंच विषयक पहली पत्रिका 1953-54 में भारतीय जन नाट्य संघ आगरा ने रंगमंच नामक शीर्षक से यहाँ पे प्रकाशित की। इसी तरह बाद में अभिनव नाम से इसे प्रकाशित किया गया। जुलाई 1970 में उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं को संगीत नृत्य नाट्य को समर्पित त्रैमासिक छायानगर यहाँ पर आरंभ किया था। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका छायानगर को आरंभ किया गया, जिसका प्रकाशन अब यहाँ पर नियमित रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख संगीत कर्मी शाखा बंदोपाध्याय ने वर्ष 2001 में त्रैमासिक पत्रिका कला वसुधा का संपादन किया जा रहा है। भारतेंद्र नाट्य अकादमी ने वर्ष 2000 में भारत रंग अर्धवार्षिक तथा डॉक्टर शिव मूरत सिंह ने संपादक के महत्व के नाटक संस्थान की ओर से वार्षिक नाट्य पत्रिका रंग प्रभा का यहाँ पे प्रकाशन किया था। कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं जो कि रंगकर्मी कला इत्यादि से संबंधित हैं, वो यहाँ पर हमने देख ली। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख कला संस्थानों के बारे में, कौन कौन से प्रमुख कला संस्थान हैं, उनके द्वारा किस तरीके कार्य किया जाता है। इसमें पहला है भारत खंडे संगीत संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है? 15 जुलाई 1926 को मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की यहाँ पर नींव पड़ी, जिसके संस्थापक थे पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे। स्वतंत्रता के पश्चात 1960 के समय इसका नाम परिवर्तित किया गया और नाम कर दिया गया भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय रख दिया गया। 1966 में संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करने लगा और 24 अक्टूबर 2000 में से डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया, और घोषित करने के साथ इसके नाम को बदल के कर दिया गया भारत खंडे संगीत संस्थान, जो कि लखनऊ में आपका स्थित है। यह संगीत के क्षेत्र में अपने तरह का एक पहला विश्वविद्यालय भी है। इसके अतिरिक्त संस्थान के द्वारा शास्त्रीय संगीत की चारों विधाएं जैसे गायन, ताल वाद्य, स्वर वाद्य और नृत्य में शिक्षा, प्रशिक्षण, डिग्री, स्नातक, डिप्लोमा इत्यादि प्रदान किया जाता है। उपशास्त्रीय गायन के रूप में ये ध्रुपद, धमार, होली, ठुमरी, दादरा संवादिनी, सुगम संगीता इत्यादि में डिप्लोमा भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त लोक नृत्य में ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम का भी संचालन करते हैं। दूसरा है राज्य ललित कला अकादमी। कला तथा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, कला के प्रति लोगों में जागृत उत्पन्न करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। 18 फरवरी 1962 को इसे स्थापित किया गया। संस्कृत विभाग के अंतर्गत यह कार्यरत है। वित्तपोषित 1975 में लखनऊ में इसे स्थापित किया गया। अकादमी के द्वारा नाट्यकला के विभिन्न पक्षों जैसे कि अभिनय हो गया, निर्देशन हो गया, रंग तकनीक हो गई, नाट्यशैली हो गई, इस सभी में साहित्य विषयों में गहन प्रशिक्षण इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। संगीत विभाग के अंतर्गत सॉरी संस्कृत संस्कृत विभाग के अंतर्गत ये स्वायत्त रूप से कार्य करने वाली एक संस्था है। इसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, जिसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में की गई। इस अकादमी में संगीत के साथ साथ नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार और संवर्धन को लेकर कार्य करते हैं। अगला है राष्ट्रीय कथक संस्थान, जो कि लखनऊ में स्थित है। 1888-89 में इसको स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकार के संरक्षण व नृत्य का संवर्धन इनके द्वारा राष्ट्रीय कथक संस्थान के द्वारा किया जाता है। मई 2010 से यह लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया और अब यह स्नातक की डिग्री भी कथक में देता है। अगला इसमें अयोध्या शोध संस्थान। 18 अगस्त 1986 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में स्थापना की गई। अयोध्या के कला, साहित्य, लोक संग इतिहास और परंपराओं की पांडुलिपियों तथा वस्तुओं, शिल्प तथ्यों का संग्रह, संरक्षण, अध्ययन इत्यादि इनके द्वारा इस संस्थान के द्वारा कराया जाता है। साथ ही अयोध्या, रामायण और तुलसीदास के साहित्य और दर्शन संबंधित शोध कार्यों को भी ये प्रोत्साहित करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। ये जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन, शोध, जैन जैन तीर्थंकरों की सांस्कृतिक महत्व की परंपरा,
आधारभूत मान्यताएं, मानवीय मूल्य, कला, अवशेषों का विश्लेषण, संरक्षण इत्यादि का कार्य यहाँ पर करते हैं। ये भी यहाँ पर संस्कृत विभाग के अंतर्गत आपके एक स्वास्थ्य संस्था के तौर पर कार्य करती है। इसके बाद है जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान, जो कि प्रदेश में जनजाति व लोक संस्कृत से संबंधित संरक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन हेतु 1966 में लखनऊ में स्थापित की गई। तो उत्तर प्रदेश के जो आपके प्रमुख संस्थान रहे हैं, जो कला को संरक्षित करते हैं, विकास करते हैं और उसके साथ साथ वहाँ प्रशिक्षण देते हैं, डिग्री प्रदान करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, ये सारा काम यहाँ पर इन संस्थानों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों ही दृष्टिकोणों से यहाँ पर विकसित हुई है। साथ ही एक मथुरा कला शैली के बारे में भी आपको इसमें ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड भी आपको। स्थापत्य के प्राचीनतम अवशेष मौर्य काल से प्राप्त हुए हैं, जिनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ है। मुख्य अवशेष जो होते हैं वो शिला स्तंभ और स्तूप के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिसमें सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्यकालीन कला का एक सर्वोत्कृष्ट नमूने के तौर पर, एक सर्वोत्कृष्ट आपको स्थापत्य कला के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा के परखम और बुरादा से यक्षों और यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं। ध्यान रखिए, कहाँ से मिली हैं? मथुरा से मिली हैं। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति आपको मथुरा से मिली हैं। कुषाण काल में मथुरा कला शैली चरमोत्कर्ष पर थी, जिसमें जैन तीर्थंकर, बौद्ध, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी आपको लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा के संग्रहालयों में संरक्षित आपको मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त मंदिर निर्माण कला का भी यहाँ पर इनके द्वारा विकास हुआ था इस काल में। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गुप्त काल में यहाँ पर मंदिर निर्माण शैली जो होती है वो आपको ज्यादा विकसित होती हुई दिखाई देती है। प्रमुख जो मंदिर हैं वो इसमें देखें तो देवगढ़ झांसी का आपको पत्थर निर्मित मंदिर है, साथ ही भितरगांव आपको कानपुर का, भीतरी का गाजीपुर जो मंदिर है वो ईंट से निर्मित है, ठीक है। भितरगांव और भीतरी का जो मंदिर है दोनों ही आपको ईंट से निर्मित मंदिर है। मथुरा शैली, सारनाथ शैली का विकास आपको दोनों ही किस काल में देखने को मिलता है? गुप्त काल में अधिक आपको, अर्थात एक चरमोत्कर्ष की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त इस काल में मृत्तिका के द्वारा निर्मित कलाकृतियों के कुछ उत्कृष्ट नमूने जो होते हैं आपको राजघाट वाराणसी, सहेत महत गोंडा बहराइच, भीतरगांव कानपुर, अहिछत्र बरेली के स्थानों से आपको मिल जाएंगे। तो मूल रूप से आपके प्राचीन काल में अगर हम देखें तो कुषाण, गुप्त और मौर्य कालीन आपको स्थल, मूर्तियां, मंदिर और ये आपको यहाँ पर प्रमुख रूप से स्थापत्य के नमूने के तौर पे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक बात की गई मथुरा कला शैली के बारे में, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं मथुरा कला शैली क्या है, किस तरीके से विकसित हुई है, इसकी अपनी क्या यहाँ पे विशेषता है और ये कैसे यहाँ पे कार्य करती है। क्योंकि मथुरा शैली कला शैली के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है। यूपी स्पेशल है, इस भी है और मथुरा से सेटी से रिलेटेड करता है। तो आइए देखते हैं कि मथुरा कला शैली की अपनी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो मथुरा कला शैली का जो उद्भव हुआ है कब हुआ है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में कुषाण काल के समय में इसके उद्भव के रूप में इसे जाना जाता है। इस शैली की जो मूर्तियां हैं उनका जो निर्माण है वो सफेद चित्तीदार वाले लाल रवादार पत्थर से किया गया है। यहाँ पर जो मथुरा कला शैली में जो स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं उन स्त्रियों की मूर्तियों के नेत्रों में चंचलता, कटाक्ष और बागपन में भारतीयता की स्थिति दिखाई देती है। साथ ही इनमें काफी सारे आभूषणों से ये लदी हुई हैं। साथ ही इनकी आकृतियां नितंब पर अत्यंत चौड़ी तथा कमर पर पतली हैं, चपल मुद्रा में खड़ी हुई और साथ ही यहाँ पर सिंधु सभ्यता की नर्तकी वाला यहाँ पे संस्मरण ये कराती हुई आपको दिखती हैं। देखिए ध्यान रखिएगा मथुरा कला शैलियों में स्त्रियों की भी मूर्तियां आपको प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मथुरा कला शैली में जो मूल रूप से इसका संबंध है वो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा मथुरा कला शैली के अंतर्गत जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों ही धर्म से संबंधित आपको कलाकृतियों का विकास है। इसके अतिरिक्त प्रथम से चतुर्थ शताब्दी इस के बीच में यहाँ पर इस कला शैली का एक अभूतपूर्व आपको विकास होते हुए देखा जा सकता है। मथुरा कला के जो मुख्य केंद्र हैं, ठीक है, मथुरा कला का विकास के रूप में जो मुख्य केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, मथुरा एक तो स्वयं मथुरा हो गया, दूसरा इसमें तक्षशिला, अहिछत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी आदि स्थान यहाँ पर मथुरा कला शैली के लिए फेमस है।
इस शैली में बुद्ध जो होते हैं आपको आसन में बैठे हुए दिखाई देते हैं और साथ ही स्थानक खड़े हुए दोनों ही कह सकते हैं स्थितियों में, अर्थात खड़े और बैठी दोनों तरीके की मुद्राएं आपको मुद्रा कला शैली में आपको देखने को मिलेंगी। बुद्ध की जो प्रतिमा है अगर हम उसको देखें तो मथुरा कला शैली में जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है वो बाल विहीन है, मूछ विहीन है, वस्त्र रहित है, अलंकरण विहीन है, लेकिन प्रभा मंडल युक्त आपको प्रतिमा जो होती है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बुद्ध की बनाई गई है। इसके अलावा मथुरा कला शैली में बुद्ध की समस्त प्रसिद्ध मुद्राओं में यहाँ पर प्रदर्शित है, अर्थात कई प्रकार की मुद्राओं में बुद्ध की प्रतिमा आपको बनाई गई है। कौन कौन सी यहाँ पर मुद्राएं हैं, तो एक है वरद हस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, इन सारी मुद्राओं में आपको बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा कला शैली में देखने को मिलती हैं। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम बात करें जैन मूर्तियों के बारे में, तो जैन मूर्तियों के वक्ष स्थल पर पवित्र आपको एक मांगलिक चिन्ह यहाँ पर आपको अंकित, यहाँ पर श्रीवत्स, यहाँ पर आपको उनके मांगलिक चिन्ह के रूप में श्रीवत्स वक्ष पर आपको अंकित देखने को मिलता है जैन मूर्तियों में। साथ ही जो जैन मूर्तियां हैं वो दो प्रकार की हैं, एक खड़ी मुद्रा है जिसको बोला गया कायोत्सर्ग और एक बैठी हुई आपको मुद्रा में यहाँ पर आपको दिखाई देती है। जो खड़ी हुई मूर्ति आपको जैन मूर्तियां जो मिलती हैं मथुरा कला शैली में वो पूर्णतः यहाँ पर नग्न है। इसके अलावा एक मूर्ति मिली है आपको यहाँ पर, हाँ एक कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति भी आपको यहाँ पर मिलती है मथुरा कला शैली में। और इन लेकिन यहाँ पे विशेषता यह है कि जो ये मूर्ति मिली है वो सिर रहित है, ठीक है, उनका सर जो होता है वो नहीं है। और ये जो मूर्ति है 5 फीट 7 इंच है, इसमें अगर देखा जाए तो जो मूर्ति है आपको इसमें महाराजा धीराज देवपुत्रे कनिष्क के भी यहाँ पर अंकित है। इसके अतिरिक्त मथुरा शैली में पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी बड़ी संख्या मथुरा में रहते हैं। विष्णु व शिव के द्वारा सॉरी विष्णु शिव और पार्वती की प्रतिमाएं भी कुषाण कालीन आपको मथुरा कला शैली में विकसित होती हुई यहाँ पर आपको पाई जाती हैं। तो ये यहाँ पर आपने मथुरा कला शैली और प्राचीन काल के स्थापत्य जो होती है स्थापत्य कला जो है उत्तर तीर की, वो हमने यहाँ पर देख ली। अगली बात करते हैं, अब मध्यकाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्यकाल में देखिए जौनपुर के जो होते हैं सरकी शासक, ठीक है, जौनपुर के सरकी शासकों के संरक्षण के स्थापत्य यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलती है। यहाँ के निर्माण में अटाला मस्जिद और खालिसा मुखलिस जो होती है, झंझरी मस्जिद है, लाल दरवाजा है, वो आपको प्रमुख रूप से इस शासनकाल में मध्यकाल में आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम 1408 में जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है वो सरकी शासन की सबसे अद्वितीय कह सकते हैं कि स्थापत्य कला के नमूने के तौर पे आप उसे कह सकते हैं। अटाला मस्जिद ध्यान रखिएगा जो सरकी शासकों के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया। लेकिन सरकी शासकों के अतिरिक्त स्थापत्य कला का जो आपको एक अभूतपूर्व विकास देखने को मिलता है वो आपको मुगल काल में देखने को मिलता है, जिसमें चाहे बाबर हों, अकबर हों और शाहजहां, इन तीनों के द्वारा बड़े स्तर पर स्थापत्य के तौर पे यहाँ पे किलों और अन्य चीजों का विकास किया गया। जैसे बाबर के द्वारा जो मस्जिदें बनवाई गई, जैसे बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी तो उन्होंने अयोध्या और संभल में मस्जिदें बनवाई। अकबर और शाहजहां के द्वारा अगर हम बात करें तो इनके द्वारा फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, आगरा का किला, दीवाने खास, दीवाने आम और ताजमहल जिसे हम कह सकते हैं अभूतपूर्व रचना के तौर पर संगमरमर का बनवाया गया मकराना के पत्थर संगमरमर पत्थरों से। तो ये कुछ अद्वितीय स्थापत्य के नमूने हैं जो कि मुगल कालीन स्तर पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए इस काल में जो आपके स्थापत्य है उसकी जो विशेषता क्या है, तो विशेषता के तौर पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो स्थापत्य है वो लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं, साथ ही संगमरमर का उपयोग बड़े स्तर पर किया गया है शाहजहां के काल में। इसमें चिकने और रंग बिरंगे फर्श पर महीन आपको पच्चीकारी और जड़ाऊ का काम भी आपको देखने को मिलेगा। और शाहजहां का काल जो रूप से अगर देखा जाए स्थापत्य के तौर पे तो संगमरमर कालीन यहाँ पर आपको स्थापत्य ज्यादा देखने को मिलता है। और इस संगमरमर कालीन में यहाँ पर शाहजहां ने कई ऐसे स्थलों को, या ये कह सकते हैं कि अकबर कालीन जो स्थापत्य रही है उसको भी तोड़ करके, क्योंकि वो मोस्टली अकबर के जो काल में बनाए गए स्थापत्य है वो लाल बलुआ पत्थर का थे, तो उसको उसने तोड़ करके और वहां पर आपको संगमरमर कालीन आपके नए आपको स्थापत्य नमूने विकसित किए थे। इसके अलावा
अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में अवध के और अंग्रेजों के द्वारा बड़े स्तर पे आपको बाकी के निर्माण कार्य यहाँ पर आपको किए गए। अवध के शासनकाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अश्वदौला की इमामबाड़ा हो गया, केसरबाग स्थित आपका मकबरा हो गया, और जाट बरादरी हो गई, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रेजिडेंसी हो गई, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल, मोती महल, केसर बाग स्थित महल, दिलकुश उद्यान, सिकंदराबाद, रूमी दरवाजा, ये सब आपके आधुनिक काल के प्रमुख आपके स्थापत्य के नमूने हैं। तो यहाँ पर हमने युद्धव से संबंधित कुछ स्थापत्य और मथुरा कला शैली को पढ़ लिया। अंतिम तौर पर दो चीजें और यहाँ पे आपको जान लेना समझ लेना जरूरी है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। पहला, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख आपके लोक नृत्य है कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। तीसरा, किस अवसर पर आयोजित किए जाते हैं और किनके द्वारा ये मनाया जाता है। तो ये चारों चीजें जो होती हैं ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश संबंधी जो आपके प्रमुख आपको लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला इसमें दीप नृत्य, ठीक है। दीप नृत्य जो है बुंदेलखंड का में आयोजित किया जाता है। बुंदेलखंड में यहाँ पर जो अहिरों के द्वारा दीपों को प्रज्वलित कर नृत्य परंपरा नृत्य किया जाता है, जिसे वो दीप नृत्य के यहाँ पर बोला जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जितने भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बुंदेलखंड एरिया से में कौन कौन से नृत्य यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। दीप नृत्य के अलावा दूसरा है राई नृत्य। राई नृत्य जो है वो भी बुंदेलखंड में यहाँ पर मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पे महिलाओं के द्वारा मयूर की तरह यहाँ पर इस नृत्य को आयोजित करते हैं। तीसरा है धुरिया नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में कुम्हारों के द्वारा कुम्हारों द्वारा महिलाओं जो होती हैं वो उनके द्वारा किया जाने वाला एक विशेष नृत्य है, जो कि बेटों के अर्थात लड़कों के जन्म के अवसर पर यहाँ पर होता है। इसके अलावा पाई डंडा है, जो कि बुंदेलखंड में होता है। अहिरों के द्वारा गुजरात के में जैसे आपका डांडिया नृत्य होता है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर पाई डंडा इसे बोला जाता है, जो डांडिया की तरह ही यहाँ पर आयोजित होता है बुंदेलखंड में। किसके द्वारा? अहिरों के द्वारा इसे मनाया जाता है। अगला है शौरा या सैरा बुंदेलखंड। ये कृषकों के द्वारा फसल काटते समय हर्षोल्लास के लिए यहाँ पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला है कार्तिक नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में कार्तिक माह में कृष्ण और गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। अगला है इसमें देवी नृत्य। देवी नृत्य भी आपको बुंदेलखंड में होता है। इसमें करते क्या है कि जो नर्तक होते हैं वो यहाँ पर दो रूप धारण होता है। एक होता है जो कि देवी का रूप धारण करते हैं, और बाकी जितने भी आपके नर्तक होते हैं वो उस दे, आ, जो देवी का रूप धारण किए हुए नर्तक होता है उसके सामने जो होते हैं बाकी लोग नृत्य करते हैं, इसे बोला जाता है देवी नृत्य। ये भी आपको बुंदेलखंड में आपको आयोजित होता है। अगला है ख्याल नृत्य, ये भी आपको बुंदेलखंड में होता है, और पुत्र जन्मोत्सव के समय मंदिर एक होता है कागज और इत्यादि की डंडे इत्यादि से बना करके एक मंदिर बनाया जाता है, और उस मंदिर को सर पे रखा जाता है और सर पे रख करके वहां पे नृत्य किया जाता है पुत्र के जन्मोत्सव के समय, इसे क्या बोला जाता है? ख्याल नृत्य। अगला है घोड़ा नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में बाजों की धुन पर घोड़ों के नृत्य की स्थिति को बोला जाता है। नेक्स्ट है लठमार नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में आयोजित होता है, और इसमें देखिए चित्रकूट में दीपावली के अवसर पर यहाँ पर लठमार नृत्य का आयोजन किया जाता है। अभी जैसे दिवाली का टाइम है तो यहाँ पर लठमार जो नृत्य होगा वो बुंदेलखंड में मनाया कैसे जाता है, जैसे ब्रज में आपको होली के समय में लठमार होली मनाई जाती है, वैसे यहाँ पर ये नृत्य आपको मनाया जाता है बुंदेलखंड में दीपावली के अवसर पर। चलिए अब बात करते हैं चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य काफी फेमस है, एग्जाम में पूछा भी गया है। चरकुला नृत्य जो होता है ब्रज क्षेत्र का है, और इसमें घोड़ा नृत्य या रथ या बैलगाड़ी के पहिए पर अनेकानेक घड़े रखकर किए जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है, जिसे वो चरकुला नृत्य कहते हैं। चरकुला के बाद अगला है इसमें कथक नृत्य, जो कि लखनऊ में आयोजित होता है, शास्त्रीय एक नृत्य है। अगला है, अब हम बात करेंगे अवध क्षेत्र से संबंधित आपके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। पहला इसमें है ठुमरी नृत्य, जो कि श्रृंगार रस की प्रधानता से श्री कृष्ण और गोपी के रूप में यहाँ पर नर्तक जो होते हैं मंचन करते हैं, इसे बोला जाता है ठुमरी नृत्य। अगला है कलाबाजी नृत्य, जो कि अवध के क्षेत्र में ही यहाँ पे नर्तकों के द्वारा बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठ करके यहाँ पर नृत्य किया जाता है। जोगनी नृत्य भी अवध में मनाया जाता है रामनवमी के अवसर पर,
पुरुष जो नर्तक होता है उसमें कुछ आपके महिलाओं इत्यादि का वेश धारण करते हैं और साधुओं की भांति यहाँ पे साधुओं के रूप में नृत्य करते हैं। अगला है ढेरिया नृत्य। ढेरिया जो नृत्य है ये भी आपको अवध में मनाया जाता है और राम के जो होते हैं लंका विजय के अवसर पर यहाँ पर सर पर जो होता है दीपक रखकर इस नृत्य को किया जाता है जिसका नाम है आपको ढेरिया नृत्य। नेक्स्ट है आपका डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश में धुरिया और गोंड जनजातियों के द्वारा डोम जनजाति को सम्मान देने के लिए यहाँ पे डोमकच नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पूर्वांचल के प्रमुख लोक नृत्यों की। इसमें सबसे पहला है धीवर नृत्य। धीवर जो नृत्य है वो पूर्वांचल का है जिसमें कछार जाति के द्वारा शुभ अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। नटवरी नृत्य जो होती है पूर्वांचल में अहिरों के द्वारा नक्कारे की लय पर किए जाने वाले नृत्य को कहते हैं। कटघोड़वा नृत्य भी पूर्वांचल में आयोजित होता है जिसमें नर्तक जो होता है कृत्रिम घेरे में रह करके एक कृत्रिम घोड़ी पर बैठ करके नृत्य करता है। धोबिया नृत्य भी पूर्वांचल में आयोजित होता है जिसमें धोबी समुदाय जो है गधों के साथ अपने संबंधों को प्रस्तुत करने के लिए वहां पर इस नृत्य का आयोजन करता है। नेक्स्ट इसमें पासी नृत्य। पासी नृत्य भी पूर्वांचल में आयोजित होता है जिसमें पासी समुदाय के द्वारा एक लयबद्ध नृत्य किया जाता है। अब यहां पर अगला है चौरसिया नृत्य जो कि जौनपुर में होता है। इसमें कहारों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है जिसे चौरसिया नृत्य कहते हैं और जौनपुर में इसका आयोजन होता है। चलिए अब बात करते हैं ब्रज क्षेत्र के प्रमुख आपके लोक नृत्य। तो एक हमने देखा चरकुला का तो आयोजन होता ही है ब्रज में। इसके अलावा रास नृत्य होता है जो ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाने वाला एक नृत्य है जिसे बोला जाता है रास नृत्य। अगला है झूला नृत्य। झूला नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र में श्रवण मास में मंदिरों में किया जाता है। नेक्स्ट है मयूर नृत्य। मयूर जो नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र में नृत्य के दौरान मोर के पंखों से बने वस्त्र को धारण करके किया जाने वाला आपको नृत्य को मयूर नृत्य कहते हैं और ब्रज क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। चलिए अब बात करते हैं मिर्जापुर में आयोजित होने वाले कुछ नृत्यों की। इसमें है कर्माशीला नृत्य जो कि मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र में भी आयोजित होता है और खरखार आदिवासियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है चौलर नृत्य। चौलर जो नृत्य है वो मिर्जापुर में अच्छी वर्षा और फसल की कामना के लिए मिर्जापुर में आयोजित होता है या मिर्जापुर में यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जाता है। डठिया नृत्य है सोनभद्र में संतान कामना के हेतु सरस्वती नृत्य है। ढरकहरी नृत्य सोनभद्र में जनजाति एक नृत्य है। छलिया नृत्य राजपूतों के द्वारा तलवार और ढाल के साथ किए जाने वाला नृत्य है और छपेली नृत्य आध्यात्मिक समृद्धि की कामना हेतु रुमाल और दर्पण के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो ये जितने हमने यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं वो आपको हमने यहाँ पर देख लिया। अब अंतिम तौर पर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो फिल्म कथानक, क्योंकि वो भी एक कला संस्कृति का हिस्सा है, रंगमंच का हिस्सा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित जो फिल्म से संबंधित जो प्रमुख घटना है या प्रमुख आपके तथ्य हैं। पहला, भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक वीपी मिश्र देवरिया के रहने वाले थे। दूसरा, प्रदेश में लोक भाषा जैसे कि ब्रज है, भोजपुरी, बुंदेली में फिल्मों का निर्माण किया जाता है। सबसे ज्यादा जो फिल्में बनती हैं वो भोजपुरी भाषा में यूपी में बनती हैं। 1975 में उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई। कब की गई? चलचित्र का मतलब होता है फिल्में, ठीक है। 1975 में इसकी स्थापना की गई। प्रमुख वित्त क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो आपके प्रमुख वित्त चित्र आपको बनाए गए हैं जैसे कि लखनऊ हो गया, मेरा लखनऊ हो गया, महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश हो गया, चोर चोर हो गया, नैमिषारण्य हो गया, ब्रज होली, ग्राम्या, बुंदेलखंड, ये सभी आपके प्रमुख वित्त चित्र हैं जो कि यूपी बेस्ड आपके बने हुए हैं। इसके अलावा नोएडा को छोटी फिल्म सिटी भी आपको माना जाता है और एक नई फिल्म सिटी बनाने का भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा फिल्म को उद्योग का दर्जा यूपी में 1998 में दिया गया, जबकि फिल्म उद्योग से संबंधित जो पहली नीति यहाँ पे बनाई गई वो 1999 में बनाई गई। 2001 और 2015 में उत्तर प्रदेश फिल्म नीति में यहाँ पे संशोधन किया गया।
फिल्म नीति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु का गठन किया गया। किसका? फिल्म बंधु का गठन किया गया, जिसका काम क्या था? फिल्म बंधु के माध्यम से फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करना, साथ ही यहाँ पर उनको निवेश के लिए तैयार करना। फिल्म इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत राज्य के मूल निवासी छात्रों को छात्रवृत्ति देना और फिल्म सोसाइटी को अनुदान से संबंधित नियमावली तैयार करने का कार्य करना, ये सभी आपको फिल्म बंधु को जो इसे बनाया गया है उसके द्वारा ये सारे कार्य यहाँ पर किए जाएंगे, ताकि फिल्म उद्योग को यूपी में यहाँ पर विकसित किया जा सके और साथ ही लोगों को जो यहाँ पे फिल्म उद्योग से जो भारतीय कह सकते हैं यूपी बेस्ड लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको यहाँ पर प्रोत्साहित करना, छात्रवृत्ति देना। 21 दिसंबर 2016 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट संस्थान का भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया। ये 14 एकड़ में बनने वाला संस्थान है जिसमें आधुनिक उपकरण भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश टीवी सेवा लखनऊ में 1975 में बनाया गया। फिल्म बंधु और फिल्म विकास परिषद का जो गठन है वो सन 2001 में यूपी में किया गया। इसके अतिरिक्त बॉलीवुड फिल्मों का जो सबसे बड़ा बाजार है, बॉलीवुड फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार आपका कौन सा है? यूपी है। प्रथम जो फिल्म कलाकार के तौर पर यहाँ पे देखिए आपको साथ ही उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके प्रमुख फिल्म कलाकार या फिल्मों में या चलचित्रों में काम करने वाले जो लोग रहे हैं, इनमें हैं अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, मनोज वाजपेयी, निर्देशक मुजफ्फर अली, संवाद लेखक डॉक्टर राही मासूम राजा। ये आपके कुछ प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। आप बहुत सारे नाम हैं जो आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो कि फिल्म टेलीविजन उद्योग से यहाँ पर आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो गया उत्तर प्रदेश की संबंधित आपकी कला एवं संस्कृति से संबंधित सभी प्रमुख कथानक, चाहे वो संगीत हो, स्थापत्य हो, नृत्य हो, शास्त्रीय नृत्य हो, लोकगीत हैं, लोक आपके नाट्य हैं, चित्रकला हो, हर सभी संबंधित आपके साथ ही प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं यहाँ पे, और उसके अलावा फिल्म उद्योग से संबंधित आपके सभी घटनाक्रम आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, काफ़ी सारे फैक्ट रिलेटेड प्रश्न इसमें से बनते हैं और इसीलिए फैक्चुअल चीज़ों को यहाँ पे सारा कुछ कोट कर दिया गया है। तो आप लोग बैठ के अच्छे से रिविजन करिए, बाकी की क्लास नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखिए, हिस्ट्री आपकी खत्म हो गई, आर्ट एंड कल्चर दो चीज़ें यहाँ पे यूपी रिलेटेड खत्म हो गया। कल से हम अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, तो यूत्र संबंधित पॉलिटी संबंधित और राज्य व्यवस्था संबंधित टॉपिक कल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से बैठ कर स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।